हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी में जो अध्ययन पद्धतियां चल रही थी उसी का ये 7th पार्ट है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अध्ययन पद्धतियों में तुलनात्मक पद्धति थी और भी बहुत सारी पद्धतियाँ थी, मैथड्स थे जो मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वो सारी वीडियोज़। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जितने भी सोशियोलॉजी का मैटर है वो सब PGT सोशियोलॉजी, UGC नेट सोशियोलॉजी, BA सोशियोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, जहाँ कहीं भी आप सोशियोलॉजी से रिलेट रखते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल हो सकता है, यूज़फुल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें तो कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है। और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मैं अपलोड करती रहती हूँ कुछ ना कुछ सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि है 7th पार्ट, संरचनात्मक और कार्यात्मक पद्धति, स्ट्रक्चरल मेथड, फंक्शनल मेथड। इस पद्धति का जन्म ऐतिहासिक उद्विकासीय एवं तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस पद्धति का जो जन्म हुआ वो ऐतिहासिक उद्विकासीय एवं तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। सेकेंड पॉइंट है, और ये फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, UGC नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि जो UGC नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डीपली कोर्स में से निकल कर आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से ही निरंतर इसका महत्व बढ़ा और आज तो इस उपागम का प्रयोग एक फैशन सा बन गया है। डेविस का कहना है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है इसका 3/4 हिस्सा संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पद्धति को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकार्यात्मक स्वदेश्यता, प्रकार्यात्मक विश्लेषण और प्रकार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यात्मक उपागम आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रमुख समर्थक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके प्रमुख समर्थक स्पेंसर, दुर्खिम, रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलोनोवस्की, मर्टन, जे विलेप, मूर और पार्सन्स आदि सामाजिक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का आयात प्राणी शास्त्र से हुआ है और इसका श्रेय स्पेंसर को जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है वो किस से निकल कर आया है या कहाँ से उसका उद्विकास हुआ, तो प्राणी शास्त्र से इसका उद्विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पद्धति का सुचारू रूप से विकास 1906 में हुआ, जब ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप वासियों तथा 1914 में मेलोनोवस्की ने मलेशिया के लोगों का अध्ययन किया। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इनको भी आप जरूर नोट डाउन कर लें कि किसने किस से किसका अध्ययन करा था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को समझने के लिए हमें संरचना तथा प्रकार के अर्थ को समझना होगा। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया, इम्पॉर्टेंट है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में किया, किंतु दोनों ही समाजशास्त्री इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, किसी भी कारण से वो नहीं कर पाए। तो जो संरचनात्मक संरचना सामाजिक संरचना के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और हमने पहले मैंने इसकी पहले भी वीडियो बना रख के अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि सामाजिक संरचना वही होती है जिसमें कार्य सारे व्यवस्थित तरीके से होते हैं, जो भी हमारी समितियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से करती हैं, और समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, जो सामाजिक समूह हैं, जब सामाजिक समाज है, सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार हैं, रीतियां हैं, रिवाज, सारे सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये सामाजिक संरचना हुई। फिर आता है प्रकार्य की अवधारणा, तो हम यहाँ पर प्रकार्य के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस। समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव योगदान दिया जाता है, यानी कि सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट दिया जाता है, उससे लगाया जाता है। मतलब कि जो सोसाइटी में
जिस भी चीज़ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव सपोर्ट्स मिल रहा है, जो भी आपकी हैप्पीनेस या जॉयफुल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके आसपास जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको खुश रहने में, आपको हैप्पी रहने में मदद करते हैं, वो आप उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रकार्यात्मक यानी कि संरचना, प्रकार्य संरचना हो रही है। फिर आता है प्रकार की अवधारणा को हम शरीर के उदाहरण से स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न इकाइयों के मिलने से होता है, मतलब विभिन्न अंग, जो भी धड़कन है हमारी, हमारे दिल है, हमारी हमारे लिवर है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलकर आँखें, लिप्स, फेस, हड्डियाँ, मांस, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी शरीर को मिलकर एक बॉडी बनाती हैं, शरीर बनाती हैं, जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, और सभी अंग परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। वैसे ही समाज में सभी इकाइयाँ मिलकर जो कार्य करती हैं, उसे हम प्रकार्य कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। समाजशास्त्र में फंक्शन का प्रयोग जीव विज्ञान के अर्थ में ही किया जाता है। समाजशास्त्री प्रकार्य को इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों या तत्वों से होता है। प्रत्येक अंग या तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए जो योगदान देता है, वह उसका प्रकार्य कहलाता है। ठीक है, कि समाज में जितने भी चीज़ें होती हैं, वो जो भी कार्य करती हैं व्यवस्थित रूप से, वो उसका प्रकार्य कहलाती हैं। ठीक है, प्रकार्य को परिभाषित करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन लिखते हैं कि किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक जीवन को देती है। वह पुनः लिखते हैं कि प्रकार्य आंशिक क्रिया द्वारा, यानी कि आंशिक या कुछ क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका वह एक भाग है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपकी बहुत थोड़ी सी भी हेल्प की है, लेकिन उसकी हेल्प की वजह से आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हुआ प्रकार्य, एक आंशिक यानी कि छोटे तौर पर संपूर्ण कार्य होना। ठीक है, मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। अनुकूलन माने कि आप जिस चीज़ से अनुकूलन यानी कि एडजस्ट कर पाते हैं, सामंजस्य यानी कि उसमें आप ठीक से व्यवस्थित हो पाते हैं, यानी कि पूरे तरीके से आप उसको उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट है कि प्रकार्य समाज व संस्कृति इकाई का वह योगदान है जो उनकी निरंतरता यानी कि कंटिन्यूस और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होते हैं। प्रकार्य द्वारा जो सामाजिक इकाइयां होती हैं, जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मतलब समाज में जो नीड्स होती हैं एक दूसरे के लिए, या समाज को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, उन सब नीड्स को जो पूरा करते हैं, वो प्रकार्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक विश्लेषण में सामाजिक व्यवस्था की विवेचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकार्यात्मक पद्धति की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएं हैं। नंबर वन, कि समाज की प्रकार्यात्मक एकता का सिद्धांत। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार एक सामाजिक व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की एकता देखने को मिलती है, जिसे प्रकार्यात्मक एकता कहा गया है। ब्राउन द्वारा इस मान्यता को प्रकारात्मक विश्लेषण की उपकल्पना के रूप में स्वीकार किया गया है। मर्टन ने इस मान्यता की आलोचना की है तथा बताया है कि समाज में प्रकारात्मक एकता एक अनुभाविक तथ्य है, ना कि केवल एक सैद्धांतिक मान्यता। मतलब अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन सिद्धांत के आधार पर नहीं, कि प्रकारात्मक जो कार्य होते हैं वो अनुकूलन ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है, उन रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान निश्चित रूप से सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रकार्य यानी कि फंक्शन अर्थात उपयोगी कार्य करता है। मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यवादियों का कहना सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि सांस्कृतिक तत्व सभी समाजों अथवा एक ही समाज में सभी समूहों के लिए प्रकार्यात्मक ही हों, यह आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे कि हर समाज की संस्कृति अलग होती है, हर समाज का रहन सहन अलग होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब समूहों के लिए प्रकार्यात्मक ही हो, यानी कि फंक्शनल ही हो, कार्य ही कर रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अपरिहार्यता का सिद्धांत। मेलानोवस्की के अनुसार समाज में प्रचलित प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व या इकाई चूंकि समाज के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करती है, अतः यह समाज के जीवन के लिए अनिवार्य नहीं। ठीक है, अप्रकार्य शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ। उत्सव, व्यवसाय, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कर्तव्य, चर एवं शरीर के अंगों का शरीर को चलाने योगदान आदि के लिए प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु समाजशास्त्र में प्रकार्य एवं अकार्य शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में हुआ है। प्रकार्य और अकार्य के बारे में इंग्लिश में जो वीडियो अपलोड करी है मैंने, उसमें आपको अच्छे से इसमें इंग्लिश वर्जन भी इसका मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स या PDF चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको ये जो PDF है प्रोवाइड करा दी जाएगी। और एक PDF में 3 to 6 or 5 पेज होते हैं और उसकी एक PDF होती है जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो। और जितनी भी PDF मैं तैयार करती हूँ, जो नोट्स तैयार करती हूँ, वो मैं अपने हैंड राइटिंग अपने खुद से नोट्स तैयार करती हूँ। इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें ढूंढकर, बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रह जाएं, जो आपके समझ में आ जाएं, ऐसे पॉइंट्स बनाती हूँ, अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको परिभाषित करते हुए मर्टन लिखते हैं कि प्रकार वे अपलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। मतलब जो मर्टन कहते हैं कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जिनको मतलब हम देख सकते हैं या हम समझ सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को, सामाजिक जो व्यवस्था है, सिस्टम है समाज का, वो अच्छे से चल पाए, उसको चला पाए, वो प्रकार कहलाते हैं। और आकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं या उसमें बाधा डालते हैं। ठीक है, प्रकार क्या हैं जो व्यवस्था को अच्छे से चला रहे हैं और आकार क्या हैं जो उस व्यवस्था को चलाने में बाधा डालते हैं। ठीक है, ये रेडक्लिफ ब्राउन, ये मर्टन के द्वारा है, मर्टन ने प्रकार्य और अकार्य का परिभाषित किया है। मर्टन ने गैर प्रकार्य का भी प्रकार्य का भी उल्लेख किया है। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि गैर प्रकार्य यानी कि नॉन फंक्शन वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अब उद्देश्य अनुद्देश्यपूर्ण या असंगत हो गए हैं। परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जो इकाइयां समाज में अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखती हैं वह भूमिका एवं मूल्य प्रकार कहलाती हैं, और जो अनुकूलन सामंजस्य स्थापित नहीं करती हैं या बाधा उत्पन्न करती हैं अकार्य कहलाती हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपके कॉलेज या आपके आसपास या आप किसी जगह भी जहाँ पे आप जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, कुछ लोग आपको, आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रकार हैं जो आपको उस जगह पर कार्य करने के लिए टिका पा रही हैं। तो ठीक है, वो प्रकार हो गई। लेकिन कुछ ऐसी निगेटिव पॉइंट्स कि आपके कार्य को ना बढ़ावा देना या आपकी बुराइयां करना या आपको कुछ कंट्रोवर्सी करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको आपको आगे बढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं वो आपको अकार्य कहलाती हैं। ठीक है, तो फिर है हमारा प्रकार्य और अकार्य को हम यहाँ उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में पाई जाती है। इसमें लड़कियाँ विवाह के बाद परिवार छोड़कर चली जाती हैं, लड़के उसी घर में रहते हैं और उनकी बहुएं भी उसी घर में रहती हैं। इस प्रकार 2 or 3 अधिक पीढ़ियाँ उस घर में रहती हैं और लोग इसमें निवास करते हैं। संयुक्त परिवार में पावर, सत्ता जो होती है वो कर्ता या मुखिया के हाथ में होती है और सभी सदस्य धन कमाकर उसी को देते हैं। संयुक्त परिवार के ये नियम परिवार के लिए प्रक्रियात्मक हैं क्योंकि सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, तो ये प्रक्रियात्मक हैं क्योंकि पॉजिटिवनेस में जा रहे हैं। इसमें भूमि के टुकड़े नहीं किए जाते हैं, परिवार की शक्ति बढ़ती है और एकता बढ़ती है। परिवार में जो बच्चे होते हैं उनका लालन पोषण बहुत सरलता से हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी देखरेख करने के लिए होते हैं और लोग भी अपने एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर लेते हैं। तो जो संस्कृति होती है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में हस्तांतरण हो जाती है आसानी से। जब सदस्य अच्छे से रहते हैं सुरक्षा बनी रहती है, किंतु दूसरी ओर इस व्यवस्था के कुछ अकार्य भी हैं। यदि परिवार के सदस्य भेदभाव करते हैं, कलेश करते हैं या कोई सदस्य परिवार की संपत्ति को नष्ट करता है तो उनकी यह भूमिका अकार्य कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ें कि जॉइंट फैमिली ज़्यादातर तो आजकल देखने को ही नहीं मिलती हैं, और अगर हैं भी तो कहीं ना कहीं हर बेटे का मतलब एक ही घर में हर बेटे का अलग अलग कमरा है, अलग अलग वो खा बना रहे हैं या अपने अपना काम अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपना अपना खर्चा अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब एक ही घर में न्यूक्लियर फैमिलियाँ रह रही हैं।
प्रकट एवं अप्रकट प्रकार है। इसके बारे में ये जो चीज़ है ये मैंने इंग्लिश में वीडियो भी अपलोड करी है अपने चैनल पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस के बारे में मैंने इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड करके बताया हुआ है, तो जिन लोगों को इंग्लिश में वीडियो देखनी है अप्रकट और अप्रकट के बारे में वो मेरे चैनल पर लिंक में जाकर देख सकते हैं। मर्टन ने प्रकट तथा अप्रकट प्रकार में भेद किया है। इन्हें परिभाषित करते हुए मर्टन लिखते हैं कि प्रकट प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं तथा उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। मतलब जो भी, जैसे कि जॉइंट फैमिली में मैंने अभी बताया कि जो भी मुखिया चीज़ें करता है वो सभी सदस्य एक अच्छे से अपनी मर्जी से मान लेते हैं उन चीज़ों को कि हाँ हम कर लेंगे, तो उनकी इच्छित हो गई और सदस्यों के बीच मान्य हो गए, मतलब उनको एक मान्यता मिल गई, लाइसेंस में चीज़ें अप्रूव हो गई हैं कि हाँ मानी जाएंगी। कि अगर मुखिया ने कह दिया कि भैया इस बार त्यौहार में दिवाली में ये चीज़ होगी तो वो होगी होगी, ठीक है, सबने मान लिया। तो और अप्रकट प्रकार वे परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में समायोजन व अनुकूलन तो लाते हैं किंतु व्यवस्था के सदस्यों द्वारा ना तो मान्य होते हैं और ना ही इच्छित होते हैं। अब जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई हैं कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो किसी ने माना नहीं माना, किसी ने कोई टाइम पे घर आया पूजा के टाइम और कोई नहीं आया, तो वो हो तो रही हैं चीज़ें, तो हो रही हैं, लेकिन सभी सदस्य उसको माने ऐसा ज़रूरी नहीं, तो वो अकार्य हो गए। जॉनसन लिखते हैं कि प्रकट, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉनसन लिखते हैं कि प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अविष्ट और अभिज्ञात, इंटेंडेड और रिकग्नाइज्ड होते हैं। अप्रकट प्रकार ना तो अविष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरी जीमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी इंग्लिश अप्रकट और प्रकट प्रकार की इंग्लिश वीडियो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।